hello dear students my name is lucky auja and i'm your ebs teacher for class fifth in class fifth ebs we were learning our chapter eight that is the unique world of insects and animals we already completed three parts of this chapter and today we are starting part four of this chapter and this part is named as taking care of insects and animals तो बच्चों कक्षा पाँच ई में हम पढ़ रहे थे अध्याय आठ और उस अध्याय के तीन भाग हम पूर्ण कर चुके हैं और आज हम चौथा भाग शुरू कर रहे हैं और ये चौथा भाग है कि किस प्रकार से कीड़ों की या कीट पतंगों की और पशुओं की रक्षा की जाए या उनका ध्यान रखा जाए सी मुनिया टोल्ड हर मदर विद ग्रैंड माँ living in their neighborhood scatters roasted wheat flour or ka kasar in the homes of the ants why does she do so so munya asked her mother that i have observed that there's a grandma in our neighborhood and she used to do this thing like she used to take some roasted wheat flour that is ka kasar and scatters it around the holes of एंडस वाइड शी डू सो तो मुनिया वॉज क्यूरियस अबाउट इट तो बच्चों यहाँ क्या देखना है कि मुनिया अपनी माँ से कुछ पूछ रही है क्या पूछ रही है कि मैंने देखा कि अपने पड़ोस में एक दादी माँ है और वो अक्सर ऐसा करती हैं कि आटे का कसर लेती हैं और उस आटे के कसर को जा के चीटियों के जो घर होते हैं जो गड्ढे होते हैं उनके आसपास बिखेर देती हैं तो वो ऐसा क्यों करती हैं सो मदर टोल्ड हर दैट मेनी पीपल मिक्स घी शुगर एंड वीट एंड स्कैटर इट ऑन द होम ऑफ ants. दैन मुनिया मदर टोल है दैट गेस इट इज़ कॉमन देर आर वेरी देर आर फ्यू पीपल हु डू दिस थिंग दे जस्ट मेक्स घी शुगर एंड व्हीट फ्लॉर एंड देन दैट कसर इज़ एक्चुअली स्कटर्ड इन द होम ऑफ एंडस तो मुनिया की मम्मी ने कहा कि हाँ मुनिया बिल्कुल ऐसा तुमने देखा होगा और ऐसे कई लोग होते हैं जो इस काम को करते हैं घी चीनी और थोड़े सा आटा लेकर के उसको भून लेते हैं और फिर जो आटे का कसर तैयार होता है उसे वो चीटियों के जो गड्ढे हैं उनके जो घर हैं उनके आसपास बिखेरते हैं दे बिलीव दैट वी शुड अरेंज फूड फॉर द्रीचर्स ऑल्सो सो इन दिस मैनर by स्कैटरिंग दिस वीट फ्लोर अराउंड द होम्स ऑफ एंट्स दे आर ट्राइंग टू अरेंज द फूड फॉर द एन सो दीज पीपल एक्चुअली बिलीव दैट वी आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज द फूड फॉर अदर क्रिएटर्स ऑल्सो तो बच्चों मुनिया की मम्मी ने यह बताया कि जो लोग एक्चुअल में इस काम को करते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि हमें हमारे अलावा जो आस पास अन्य पशु हैं या जीव जंतु हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए उन के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो हैव सेंसेस टू सी हे स्मेल स्पीक एंड फील सोम ऑल्सो टोल्ड हैविंग ऑल दिज सेंसेज टू सी हेयर स्मेल स्पीक एंड फील यानि हमारे अलावा हमारे आस पास जो जीव जंतु हैं उन सब में भी ये संवेदन होते हैं वो देख सकते हैं सुन सकते हैं सूंग सकते हैं है, बोल सकते हैं महसूस कर सकते हैं birds like eagle hawk vulture etc can see their prey from miles away and animals like dogs can hear very faint sound some insects can identify their food from smell so munya's mother told her that different birds like eagle and hawk can just look at their Prey from very long distances, and besides this, some animals like dogs can hear a sound which is very faint, which is very slow, and some insects can identify their. फूड थ्रू द स्मेल ऑनली तो मुनिया की मम्मी ने कहा कि क्योंकि अलग अलग जीव जंतु भी हमारी तरह सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग संवेदनों को प्राप्त कर सकते हैं तो उसी का उदाहरण है कि कुछ पक्षी जैसे कि बाज और गिद्ध जो होते हैं वो बहुत दूरी से अपने शिकार को पहचान लेते हैं अपने शिकार तक पहुँचने के लिए उनकी आँखें बहुत दूर से उसे देख लेती हैं और इसी तरीके से जो डॉग्स होते हैं कुत्ते होते हैं उनकी जो सुनने की शक्ति है वो भी बहुत तेज होती है बहुत बहुत धीमी आवाज़ को भी वो बहुत जल्दी से सुन लेते हैं और कुछ जीव जंतु कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने खाने को स्मेल से यानी खुशबू से ही पहचान लेते हैं of a द are ऑफ अ बर्ड आर ऑन द टू so ऑफ इट्स view Two different things at one point of टाइम सो मुनिया में द टोल है दिनरली द बर्ड्स आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ आईज सो दे आर हैविंग आईज ऑन टू साइड्स ऑफ द हेड एंड ड्यू टू दिस दे कैन व्यू टू थिंग्स एट अ सिंगल टाइम तो बच्चों मुनिया की मम्मी ने बताया कि जो पक्षी होते हैं इन पक्षियों के जो आँखें हैं वो अलग होती हैं हमारी तरह सामने नहीं होती हैं दोनों साइड में होती हैं यानी सिर के दोनों तरफ होती हैं और इस कारण से एक ही समय पर ये पक्षी दो अलग अलग व्यू देख पाते हैं या दो अलग अलग तरीके की चीज़ों को देख पाते हैं द बर्ड्स हुज पीपल्स ऑफ आई के नॉट मूव जनरली मूव देयर नेक टू लुक अराउंड तो ऐसे सभी बर्ड्स ऐसे सभी पक्षी जिनके की आँखों की पुतलियाँ नहीं घूमती हैं एक ही जगह रहती हैं तो वो क्या करते हैं वो आसपास देखने के लिए अपनी गर्दन को ही घुमाते हैं नाउ सिमिलरली इट इज बिलीव दैट द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम कैन आइडेंटिफाई Few colors and the animals which are active only during night time can see everything only in black and white. So, Munya's mother told her that there are different animals, some are active during daytime and some are active during night time. So, animals which are active एक्टिव ड्यूरिंग दे टाइम दे आर एबल टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स लाइक अस बट एनिमल्स दोज आर नॉट एक्टिव ड्यूरिंग दे टाइम दोज आर एक्टिव इन नाइट टाइम एंड दे आर एबल टू सी ओनली इन ब्लैक्स एंड वाइट तो मुनिया की मम्मी ने बताया कि अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनमें से कुछ अधिकतर दिन में सक्रिय रहते हैं और कुछ ऐसे भी पशु हैं जो कि रात में सक्रिय रहते हैं तो so, जो सारे जीव जंतु दिन में सक्रिय अपने सारी गतिविधियां दिन में करते हैं, वो अलग अलग रंगों को आसानी से देख पाते हैं लेकिन वो जीव जंतु जो कि रात में सक्रिय होते हैं वो सिर्फ चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं या सिर्फ काले और सफेद के रूप में देख पाते हैं नाउ सम

A different sound for an enemy that is coming flying, and the different sound for one coming walking on the ground. So, there is an example like birds can use a different sound for the enemy one which is coming on walking on the ground, and the other the enemy which is coming. थ्रू फ्लाय तो बच्चों मुनिया की मम्मी ने बताया कि ये बर्ड्स जो हैं अलग अलग तरीके की आवाज़ का जो इस्तेमाल करते हैं खतरों को बताने के लिए उसका उदाहरण ऐसे है कि अगर कोई उनका शत्रु कोई एनिमी जो है अगर उड़ता हुआ आ रहा है तो अलग तरीके की आवाज़ निकाली जाती है लेकिन कोई शत्रु अगर पैदल नीचे चल के आ रहा है और उनके लिए खतरा बन सकता है तो बर्ड्स अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं सो दीज आर द डिफरेंट काइंड of characteristics of animals. So dear students, now we will see what we learnt in this chapter. So first thing we learnt that the capacities of animals to smell, see, hear etc. are different. To तो बच्चों हमने देखा यहाँ इस अध्याय में कि अलग-अलग जो जीव जंतु हैं या पशु हैं, उनकी सूँघने की, देखने की और सुनने की क्षमताएं जो हैं, अलग-अलग होती हैं देन हैंड थिंग बैट्स फ्लाई इन द द डार्क विद हेल्प ऑफ रेजोनेंस और हमने देखा कि जो चमगादड़ होते हैं बैट्स होते हैं वो ईजीली अंधेरे में उड़ पाते हैं आसानी से अंधेरे में उड़ सकते हैं किसके कारण जो साउंड का एक् होता है ध्वनि का जो परावर्तित आवाज होती है उससे देन द थर्ड थिंग वी दैट वी शुड वर्क टूगैदर यस वी लर्न दैट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ एंड सिबिलिटीज अमंगी शुड ऑल्सो वर्क टूगैदर एंड डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमने ये सीखा कि हम सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए और जिम्मेदारियों को एक दूसरे के साथ बांट करके निभाना चाहिए देन नेक्स्ट थिंग वी लर्न दैट वी शुड अरेंज फूड फॉर द एनिमल्स ऑल्सो सो वी लर्न दैट वी शुड टेक केयर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस एंड वी शुड ट्राई टू अरेंज समूड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स तो बच्चों हमने ये भी सीखा कि हमें अपने आस पास के जीव जंतुओं के लिए या पशुओं के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहिए हमें उनकी भी देखभाल करनी चाहिए सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर डर स्टूडेंट सो टूडे वी फिनिश्ड आर चैप्टर एट इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बच्चों आज हमारा अध्याय आर्ट हमने खत्म कर लिया है और इसका जो अगला भाग होगा वहां हम अध्याय आठ के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग